अब बुध को अगर मजबूत करना चाहें तो उसके लिए घरेलू नुस्खे क्या है? अर्पिता, बुध का मतलब होता है आपका ब्रेन, आपकी समझ, आपके बोलने की, समझने की ताकत। बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं लेकिन बुद्धिमान नहीं होते, गलतियां करते हैं, बोल नहीं पाते, लिख नहीं पाते, प्रेजेंटेशन की स्किल अच्छी नहीं होती, उनका बुध गड़बड़ होता है। बुध को कैसे मजबूत करें, किन घरेलू नुस्खों से? भोजन में हरी सब्जियां जरूर ग्रहण करिए, ग्रीन वेजिटेबल्स भोजन में जरूर खाइए, इससे आपके बुध को ताकत मिलेगी। सौंदर्य प्रसाधन कॉस्मेटिक्स, इसका प्रयोग कम करिए क्योंकि बुध स्किन का स्वामी है, और अगर आपको बुध को मजबूत करना है तो बेहतर सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग करें और जरा सोच समझ के प्रयोग करें। किसी न किसी संगीत को सुनने की आदत डालिए, किसी भी तरह का म्यूजिक हो, क्लासिकल हो, पुराने गानों का हो, सूफी सॉन्ग हो, भजन हो, गजल हो, कैसा भी संगीत हो, संगीत सुनने की आदत जरूर डालिए। स्नान रोज करिए और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए। बहुत सारे परफ्यूम का प्रयोग करिए, खुशबू जो होती है वो बुध से सीधा संबंध रखती है, इसीलिए जिन लोगों का बुध थोड़ा अच्छा होता है उनके अंदर दो गुण जरूर होते हैं, बोलते बहुत अच्छा हैं और दूसरा खुशबू से उनको विशेष प्रेम होता है। तो अगर आप बुध को मजबूत करना चाहते हैं दो बातें गांठ बांध लें, साफ सफाई से रहें, स्नान रोज करें और खुशबू वाली चीजों का, परफ्यूम का प्रयोग अगर आप करें तो निश्चित रूप से आपका बुध प्रबल होगा। तो बुध आपका कैसे प्रबल होगा ये आपने समझ लिया, लेकिन अगर आप बृहस्पति को मजबूत करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन से घरेलू नुस्खे अपनाने वो समझते हैं। अर्पिता, बृहस्पति का मतलब होता है जीवन में ईश्वर की कृपा, सब कुछ है आपके पास लेकिन अगर ईश्वर की कृपा नहीं है तो कहीं ना कहीं अंतिम समय में आप चूक जाएंगे। बृहस्पति का मतलब बड़ों का आशीर्वाद, बृहस्पति का मतलब ईश्वर की कृपा, बृहस्पति का मतलब धर्म और ज्ञान। बृहस्पति को कैसे मजबूत करें, क्या घरेलू नुस्खे हैं इसके? भोजन में हल्दी का प्रयोग जरूर करिए, चाहे दाल बनाते हैं चाहे सब्जी बनाते हैं, अपने भोजन में हल्दी का प्रयोग आप जरूर करिएगा। सात्विक भोजन ग्रहण करें, अगर बृहस्पति को मजबूत करना चाहते हैं तो मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग बिल्कुल मत करिएगा। बाल हमेशा छोटे रखिए, बहुत बड़े बड़े बाल मत रखिए बेवजह। गले में माला और माथे पर तिलक धारण करिए। माथे पर तिलक धारण करने का मतलब यह है कि आपने ईश्वर का दासत्व स्वीकार किया है, आपने अपने आप को ईश्वर की शरण में रख दिया है, यह इस बात की सूचना है। तो गले में माला और माथे पर तिलक धारण करें। सोने का या पीतल का एक छल्ला ये आपको जरूर पहनना चाहिए, तर्जनी उंगली में पहने तो बहुत अच्छा होगा। और अगर बृहस्पति की कृपा आपके ऊपर है तो आपको ईश्वर की कृपा का अनुभव जरूर होगा। और बृहस्पति को मजबूत करने के लिए दो बातें हमेशा याद रखिए, सात्विक रहिए, धर्म के मार्ग पर चलिए और जीवन में ईश्वर के प्रति समर्पित रहिए। अगर आप इतना सामान्य जीवन में भी करें तो आपका बृहस्पति प्रबल होगा, और अगर बृहस्पति प्रबल होगा, मजबूत होगा, तो वो आपका प्रोटेक्टर है, वो आपका सेवियर है, आपको तमाम मुश्किलों से बचाए रखेगा।
एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।